टेप काटिए। देखिए एक नंबर का चोर आदमी से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। भाई तू कौन है? रिपोर्टर। ऐसा कैसे रिपोर्टर है? रिपोर्टर हूँ। कौन सा चैनल का रिपोर्टर है? सच्ची मुच्ची न्यूज है हमारी। हाँ। लाइव आ रहा है टीवी पे अभी। हाँ। सच्ची मुच्ची न्यूज है, समझ रहे हो आप? तो मेरे बारे में क्या बोल रहा है? ये आपके बारे में बता रहा हूँ कि आपने जो 1300 घर की लूटे हुए हैं, कच्चा गैंग भी है आपका, वो भी बता दो। कच्चा गैंग के सरगना भी है। मैंने कब बोला? आपका नाम जान सकता हूँ? देवास। देवास, हम एक टीवी चैनल से हैं जी, जिसका नाम है सच्ची मुच्ची न्यूज़ जी। एक न्यूज़ एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग जी, जिसका नाम है इंडिया के बेहतरीन लोग। तो दो मिनट आपसे मैं बात करना चाहता था। लाइव जाएंगे अभी हम लोग टीवी में, हमारा न्यूज़ चैनल है। कोई परेशानी नहीं? कोई तकलीफ नहीं? जुलाब नहीं? डायबिटीज कुछ नहीं? होना भी नहीं चाहिए। हाँ। इंसान को नहीं होना चाहिए, ठीक है? जानवर को, उससे अपने को कोई लेना देना? इंटरव्यू कर सकते हैं लाइव? थ्री टू वन लाइव। हम लोग लाइव हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन लोग से। इस समय मैं मुंबई के शहर मुंबई में ही खड़ा हूँ और बेहतरीन इंसान के साथ हूँ। आप आपका नाम जान सकता हूँ? भाविन जी। भाविन जी को हमने खोज निकाला। भाविन जी सालों से लापता थे। भाविन जी के बारे में जो कहाँ पे लापता? नहीं भाविन जी, मैं बोल रहा हूँ दोनों। भाविन जी, मैं इस समय खड़ा हूँ गौरव जी के साथ मुंबई में। गौरव जी के बारे में आपको बताऊं, गौरव जी का जो इतिहास है अगर आप लोग जान लें तो आपकी फटके चौराहा हो जाए। चौराहा मतलब आप लोग समझ नहीं पाएंगे गौरव जी का इतिहास। गौरव जी का इतिहास बहुत ही बड़ा है। गौरव जी ने कम से कम आज तक बता दूं? क्या बता दूं, बताइए। जो आपके बारे में आपने मुझे बताया था अभी। क्या क्या आपने जो भी मुझे बताया था? अरे क्या, देवास जी ने तकरीबन 1300 से ऊपर शादियां की हुई हैं। सुहागरात से पहले घर लूटे हुए हैं। देवास जी का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है सारे पुलिस स्टेशन में, सारे थानों में। मेरी शादी नहीं है एक गैंग है हिंदुस्तान में, कच्चा गैंग। कच्चा गैंग के सरगना है। एक मिनट, कौन सा कच्चा भाई? कच्चा जो पहनते हैं, कच्चा पहनता ऊपर मेरा कोई गैंग नहीं। भाविन जी कच्चा गैंग के सरगना है। भाविन जी के अंडर 12 कच्चे वाले नौजवान पुरुष काम करते हैं। भाविन जी ने पूरे पूरे हिंदुस्तान में कच्चे गैंग की तरफ से चोरियां मचा रखी हैं। भाविन जी भाई क्या क्या देखिए, कबूल कर रहे हैं, आपने खुद देखा, कबूल कर रहे हैं भाई जी ने कुछ 250 से ऊपर शादियां की हुई हैं और सुहागरात से पहले। क्या 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 बक रहे हो भाई? भाई आराम से, क्या बक रहे हो? हाँ कोई लाइव वाइव नहीं? ये क्या 250 क्या बकचोदी चल रही है तुम्हारी? लाइव है, लाइव आ रहा है। नहीं नहीं, बकचोरी चल रही है तुम्हारी। एक मिनट चेंज करो, चेंज करो। शादी से पहले चोरी करते हैं ये आप लोग क्यों करते हैं? अरे मैं नहीं करता चोरी भाई, मेरी शादी भी नहीं हुई। नहीं देवास जी, आप लोग ये जो घटिया काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये क्यों करते हैं? कौन सा घटिया काम? यही जो आप घटिया काम करते हैं शादी के पहले चोरी करने का, सुहागरात से पहले चोरी करने का। ये जो आपने कई सारी कन्याओं को लूटा हुआ है, कई सारे घरों को लूटा हुआ, कई सारे बापों को लूटा हुआ। कौन बोला? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गौरव जी ने सुहागरात से पहले 250 से ज्यादा घर लूटे हुए हैं। गौरव जी का नाम पेपरों में आ चुका है। गौरव जी के लड्डू डू है क्या? क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, लड्डू डू है क्या? गौरव जी को देखिए, लड्डू डू इनका अग्रेशन देखिए। झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो। देखिए खुद कबूल रहे हैं। आप खुद झूठ बोल रहे हो? ये खुद कबूल रहे हैं। आप खुद झूठ बोल रहे हो? ये कच्चा गैंग के आप सरगना है? कब से कर रहे हैं आप कच्चा गैंग के? कब से कर रहे होंगे? मैं नहीं, आप होंगे। रुकिए, आप होंगे, कैसे रुक जाऊं मैं? मैंने जब इनसे पूछा कि कच्चा गैंग आपने नाम क्यों सोचा, तो उन्होंने बोला मेरी सोच ही उतनी आपने है। आपने पूछा ही कब? खुद कबूल रहे ये झूठ। देखिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ये। देखिए भाई, भाई सुन ये झूठ क्यों बोल रहा है तू? ऐसा क्या झूठ बोला? ये 250 शादी और ये सब, ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर? ये बकवास ही तो है और क्या है? क्या है इसमें बकवास? ये बकवास है भाई, ये क्या है? 250 शादी कौन करता है? 250 शादी और मेरे बारे में क्या जानता है तू? अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने मुंह से। सुनना सुनना भाई, अभी 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 है। कच्चा गैंग भी है आपका, वो भी बता दो। कच्चे गैंग के सरगना भी है। मैंने कब बोला? कट कर। क्या कर रहे हैं अपन? एक वो बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। जिस सीरीज बना रहा हो या मेरी पिक्चर बना? नहीं नहीं, अपन भाई क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मेन मुद्दे चल रहे हैं देश में, ठीक है? अपन को वो मुद्दे चेंज करने हैं, ठीक है? दो मिनट कट रहा है। हाँ बंद है। इंडियन मीडिया से बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं मार्केट में जो अपने को नहीं देनी है, ठीक है? अपने को ना क्या चेंज करना है, अपने को लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, अपने को मेन मुद्दों से लोगों को भटकाना है। इसलिए मैं ये झूठ आपसे बुलवा रहा हूँ, समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको 250 की शादियाँ कह रहा हूँ कि आपने की हुई हैं, तो इससे क्या होगा, आप बदनाम हो जाओगे। अरे तो पर मेरे को क्यों करना, किसी और को करना भाई? कोई है नहीं ना इस काबिल, क्या लगेगा ऐसा?
आप लग रहे हैं ना। मैं क्या गैंगस्टर लग रहा हूँ? गैंगस्टर नहीं लग, गैंगस्टर तो बहुत ऊंचा मान लिया आपने आपको। मैं चोर लग रहा हूँ। हाँ, उस किस्म के लग रहे हैं थोड़ा सा। पागल है क्या? अब जैसे एजुकेशन हो गया, गरीबी हो गई, बहुत सारे मुद्दे जिसके बारे में बात करूंगा कोई देखने नहीं आएगा। आपके बारे में बात करूंगा तो लोग देखने आएंगे ना। सच नहीं दिखा सकता ना? नहीं तो यार, सच नहीं दिखा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब ये क्या है? तुम पहले ये बताओ कि आप मीडिया से फर्जी बात क्यों कर रहे हो? आप ये कि 250 शादी कर लिया और ये कर लिया, मेन मुद्दे हैं सर, वहाँ से भटका। टीआरपी कैसे आएगी? नहीं, टीआरपी आएगी तो क्या मैं यूज करने के लिए हूँ क्या तुम्हारे टीआरपी के लिए? तो किस लिए है? मैं चूतिया हो गया? मैं चूतिया खड़ा है क्या? चूतिया टाइप का तुम्हारा क्या? ये बोलते रहोगे तुम, मैं सुनते रहूंगा कि 250 शादी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे को कोई मुद्दा पूछा? एज अ मीडिया मैं लोगों को सही न्यूज नहीं दे सकता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। गलत तो दे रहे हो? गलत दे सकता हूँ, एज अ मीडिया हूँ ना मैं। तो उखाड़ लोगे कुछ भी? नहीं तो सही बात कैसे कर दूँ? क्या उखाड़ लिया मीडिया हो गया? उखाड़ना ही तो नहीं है, जो उखड़ा है उसको दबाना है, समझ नहीं रहा ना बात? बहुत सारी सच्ची न्यूज है जो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो टीआरपी बनेगी, इससे टीआरपी बनेगी, मेरे पास पैसा आएगा, आप थोड़े बदनाम हो जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ। इसकी कीमत है कि आप बदनाम हो जाएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है आपका कौन सा नाम है वैसे भी? राइट, पर मैं नाम बनाने की कोशिश करूंगा ना, अभी तू ऐसे बर्बाद कर देगा तो फिर मेरा नाम बनेगा भी नहीं। नहीं बनना ना वैसे भी। तो का क्या मतलब? तो क्या, सीधी बात है यार। तुम्हीं क्या कर रहा है भाई? सॉरी, माफी चाह रहा हूं। रिपोर्टर है ना, सॉरी, मुझसे बात करना भाई। माफी चाह रहा हूं। एक तो तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है, माफी चाह रहा हूं। ऊपर से तू मतलब कायदे की न्यूज़ नहीं चला रहा, ऊपर से तू फर्जी न्यूज़ चला रहा है। माफी चाह रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। सुन, देखिए रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से निकल ले चुपचाप। मैं निकल जाऊंगा सर, मैं निकलने के लिए निकल ले यहाँ से। मैं निकला ही था तभी निकला हूं। मेरे तरफ से तेरे को भोज लीजिए, रख ले और तू निकल ले यहाँ से। सर देखिए आप क्या करें, गाली दे रहे हैं। हाँ गाली दे रहा हूँ मैं, लाइव टीवी पे गाली दे रहा हूँ, सुन ले तू अब, समझा? अभी तो कैमरा कट कर, अरे कट कर, चाहे कुछ भी कर। सही न्यूज़ दूँ भाई मैं? नेता थोड़ी, सही न्यूज़ दूँ? सही न्यूज़ दे, पागल हूँ मैं? टीआरपी कैसे आएगी भाई? सही न्यूज़ दे, टीआरपी से तेरे को क्या मतलब है? तो पैसा कैसे कमाऊंगा? पैसा कमाना थोड़ी होता सब कुछ, जर्नलिज्म हमने किया ही पैसे कमाने के लिए सर। भाई देख देखो करना है ना, ये भाई को रोक, इससे करो भाई। आजा इंटरव्यू दे, यहाँ पे आजा इंटरव्यू दे दे, न्यूज चैनल वाले आए, आजा इंटरव्यू दे दे। नहीं देना, नहीं देना, ये देख कोई भी नहीं आ रहा तेरे पास, मेरे को पकड़ लिया तूने फालतू में। कि मैं क्या करूँ लोगों को? छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। बोलो। इस समय हम किसी सच्ची मुच्ची न्यूज से नहीं है, यूट्यूब के एक चैनल से, राजन ऑन द रॉक्स। अच्छा, एक छोटा सा व्यवहारिक वीडियो आपके साथ बनाया, प्रैंक वीडियो कहते हैं इसको। किसी बात नहीं, नहीं मैं छोटी सी बात, मैं तेरी कोई बात, छोटी सी बात, आपके साथ मजाक हो रहा है, आपके साथ कैमरे पे प्रैंक चल रहा है, प्रैंक चल रहा है, प्रैंक चलेगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं कैमरा ऑन ही है, और आप इस समय यूट्यूब पे एक चैनल पे, राजन ऑन द रॉक्स बोल के चैनल है। अच्छा, जहाँ पे हम आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, प्रैंक चैनल है हमारा। आप किसी कच्चा गैंग से नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये नहीं है भाई साहब, आप इन पे फालतू शक ना करें। और शादी इनकी हुई नहीं अब तक, है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। हाय, क्या हाल है राजन ऑन द रॉक्स के मेरे दोस्तों? एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ये न्यूज़ है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ राजन ऑन द रॉक्स के नाम से, आप वहाँ पे भी आओ। डकार आ रही है, मैंने कुछ खाया हुआ है, क्योंकि कोई नहीं, सबको आती है, इंसान है, इंसान है, भगवान के बंदे, आएगी आएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो ना, मचा दो, कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा तो आग लग जाएगी, ठीक है? मैं बहुत प्यार करता ही हूँ आपसे, आप भी करते ही होंगे मुझसे। ख्याल रखिए अपना, लॉट्स ऑफ लव, राजन ऑन द रॉक्स।